कर रहे हैं कि इसमें संख्या क्या है, उसका मिलान करेंगे। अगर कोई फंसा हुआ है तो पहले हम लोग, सबसे पहले तो आग जैसे लगे, जो जिस जहां जो जिस प्लेस पे वर्क कर रहा है उस प्लेस पे तो छोटे वाले अग्निशमन यंत्र लगे, तो हम प्राथमिक तौर पे यूज करते हैं। तो छोटे उपकरण का उपयोग करेंगे, देखेंगे कि हमारे से वो उपकरण उससे कारगर साबित नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, फिक्स फायर फाइटिंग वाला पहले तो अलार्म सिस्टम से सारे जितने भी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर हैं उसको क्या करेंगे, पहले इन्फॉर्म करेंगे। पहले अपने से पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र का उपयोग करके हम उसको बुझाने का प्रयास करेंगे, उसी के साथ हम आगे वर्कर को भी हर अलार्म लगा के उसको हम सावधान करेंगे, उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स फायर फाइटिंग का जो भी इक्विपमेंट लगा है उसका उपयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, फायर स्टेशन को इसकी सूचना देंगे, आग की सूचना हम फायर स्टेशन को देंगे। और सब बंदे भाग के क्या करेंगे, हम लोग असेंबली एरिया में, असेंबली एरिया में आने के बाद हम सभी बंदे का काउंटिंग करेंगे कि हमारी संख्या पूरी रही है कि नहीं। अगर कोई निकल फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए हम लोग रेस्क्यू करेंगे, तो रेस्क्यू करेंगे। अगर कोई घायल है या कोई बेहोश पड़ के गिर गया है उसको पहले किस तरह का बाहर निकालना है उसको पहले समझेंगे, कि हम अगर अकेले हैं और हमारे अगल बगल में कोई बंदा बेहोश होकर गिर गया और उसको उठा के बाहर लाना, अगर हम उसमें देरी करते हैं तो उसके जान को खतरा है, तो उसको उसी समय में हम किस तरह से उस बंदे को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, अकेले हैं तो अकेले, नहीं तो आप दो बंदे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग समझेंगे। अगर कोई बंदा बेहोश होकर गिर गया अगर कोई बंदा फैक्ट्री में आग लग गई, धुआं से गिर गया, तो धुआं से गिरने के बाद सबसे पहले क्या होता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है, उसको सांस नहीं मिलने लगता है और वो अचेत अवस्था में गिर जाता है। तो अचेत अवस्था में गिरे हुए बंदे को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके आसपास जाएंगे, वो किस अवस्था में गिरा उसको पहले सीधा करेंगे, आप करके समझ बताइएगा, हम बताते जा रहे हैं उसको, पहले हम क्या करेंगे उसको सीधा करेंगे, सीधा उसको देखेंगे कि हाथ उसका फैला हुआ है तो उसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद उसके पैर को हम मोड़ेंगे, उसके पैर घुटने को मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद उसके हाथ को पकड़ेंगे, हाथ को पकड़ने के बाद उसको अपने ओर खींचेंगे, अपने ओर खींचने के बाद वो क्या होगा, वो आपके ऊपर, वो अपने से वो खड़ा न होने की उसमें शक्ति नहीं है, वो क्या होगा आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके बॉडी पर निर्भर करेगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे कि दाहिने हाथ से आपके बाएं हाथ से उसके हाथ को पकड़ेंगे, हाथ पकड़ने के बाद उसके एक हाथ को उसके जांघ के नीचे से पार करेंगे, उसको अपने शरीर के ऊपर भार देना, भार देने के बाद उसको उठाएंगे। आप एक आदमी इसको किसी भी घायल बंदे को किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, फ्री रहेगा, इस हाथ को इसलिए खोलना है, दरवाजा खोलो या कोई चीज हटाना हो आपके सामने, दरवाजा हो या कोई चीज हो या कोई गट्ठा रखा हो तो उसको हटाने के लिए एक हाथ को फ्री रखना है, एक हाथ से आप बंदे को उठा के अपने रखना है, उसके बाद एक हाथ को फ्री रखना है। अगर दरवाजा लगा हुआ है, कुंडी लगा हुआ है, एक हाथ से आप खोल के उसको बाहर ले जा सकते हैं। ये तो हुआ एक आदमी को रेस्क्यू करेगा। अब देखना है कि दो आदमी एक आदमी को रेस्क्यू कैसे किया, पहले ये वाला कराइए ना, नहीं नहीं सब बता देंगे, फिर आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। चलिए एक और मिनट करो, आप खड़ा रहिए। जैसे ही घायल हो गया, ठीक ना, तो घायल हो गया है और इसका पैर टूट गया है या पैर में जख्म है, चलने पाने की शक्ति में नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके दोनों पैर को क्या करेंगे, इसे फैलाएंगे और इस तरह इसको लेके बाहर
निकलना है। ये तो एक तरीका हो गया रेस्क्यू करने का। और आप अकेले हैं, इनका पैर टूटा है, तब क्या करना है, इसको पैर को जमीन पर टिका के सीढ़ी के सीढ़ी का उतारना है। उसको क्या करेंगे, जैसे ऐसे हो गए, ऐसे उसको लेना है और उसको धीरे धीरे करके लूज कीजिए, लूज कीजिए, छोड़िए ना, पैर सीधा छोड़ रही है, लूज बिल्कुल, पैर सीधा रखिए, पैर लूज कीजिए, बस ऐसे ऐसे करके उसको बाहर खींचना। एक ये तरीका है और दूसरा है, आइए एक है टू हैंड से। टू हैंड से क्या है, टू हैंड सिप में इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे उठा के बाहर करना है। ये हो गया टू हैंड सिप। अब थ्री हैंड सिप देखिए, एक हाथ हमको मेरे कंधे पे पकड़िए। इसको थ्री हैंड सिप इसलिए कहा जाता है कि हाथ मेरा इसको उठाने में लगा हुआ, एक हाथ फ्री है, एक हाथ किस लिए फ्री है, दरवाजा खोलने के लिए, कोई लट्ठर लगा है तो उसको खोलने के लिए, आपके सामने जो भी रुकावटें उसको हटाने के लिए एक हाथ को हम क्या करेंगे, फ्री रखेंगे। अब कोई भारी भरकम आदमी उसको कैसे उठाएंगे, उसके लिए है फोर हैंड सिप। इसको आइए ये भारी भरकम जो भी व्यक्ति है, तो हम लोग दो आदमी मिलके वो भारी आदमी को ऐसे उठा के बाहर निकालेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, फोर हैंड से। अब देखिए फैक्ट्री में जब भी आग लग जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है धुआं से, धुआं हमारे फेफड़ा में भर जाता है और हम सांस नहीं ले पाते और हम बेहोश अवस्था में गिर जाते हैं। और ज़्यादा देर गिरे रहने के बाद क्या होता है, हमारा दम घुटने के बाद हमारी मौत हो जाती है। तो अगर किसी भी बिल्डिंग या कमरे में धुआं भर जाए, उसको निकालने के लिए आप अकेले रेस्क्यू टीम कैसे करेगी, तो सबसे पहले रस्सा नहीं है अगर चलिए उसके कमर में रस्सा लगाएगा, जो रेस्क्यू के लिए जाएगा उसके कमर में रस्सा लगाया जाएगा और एक बंदा रस्सा को पकड़ के बाहर खड़ा रहेगा। और जो रूम में रेस्क्यू करेगा, जो रेस्क्यू करेगा अंदर में, तो क्या करेगा, उस जमीन के सहारे लेटे हो जाएगा, मुंह पे भीगा हुआ कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा मुंह पे बांध के वो क्या करेगा, अपने क्रॉलिंग करते हुए, अपने केहूनी के बल क्रॉलिंग करते हुए जमीन पे, क्योंकि 1.5 फीट से ऊपर की ऊंचाई में ही ज़्यादा घना रहता है धुआं, उसके निचले स्तर पे धुआं कम घना होता है। इसके सहारे आप मुंह पे गीला कपड़ा बांध के आप केहूनी के सहारे उस टीम को खोजते हुए जाएंगे अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे, सोचने वाली ये बात है कि कोई भी अगर आग लगती है, कहीं भी बिल्डिंग में आग लगती है, तो सबसे पहले भागने का प्रयास किया जाता है। प्रयास के क्रम में धुआं भरा रहता है, उसको दिखाई पड़ता नहीं तो वो क्या करता, जाके किसी दीवार से, किसी अलमीरा से, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से जाके वो टकरा जाता है और टकराने के बाद वो जमीन पे गिरता है। तो सबसे पहले हम जब भी घुसेंगे निकालने के लिए, रेस्क्यू के लिए, हम क्या करें, दीवार के साइड से उसको हाथ के सहारे ढूंढने का प्रयास करें, साइड से, क्योंकि व्यक्ति का गिरे होने का सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ रहेगा, दीवार के सहारे, किसी पिलर के किनारे या किसी दीवार में टकरा के वो गिरेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, दीवार के सहारे ही हम चारों ओर उसको खोजने का प्रयास करें। अगर वो मिल जाता है तो फिर उसको कैसे बाहर निकालना है, अगर हम खुद गए हैं रेस्क्यू करने के लिए, हमारे कमर में क्या रस्सी लगा हुआ है, अरे बाहर टीम तैयार है, अगर हमारा ही सांस घुटने लगे, मेरा ही दम घुटने लगे, तो हम क्या करेंगे, सिग्नल देंगे, रस्सी को हिलाएंगे। इसका मतलब कि हम अभी सक्षम नहीं है रेस्क्यू करने के लिए, तो जैसे सिग्नल देंगे तो पीछे जो बैकअप टीम है वो क्या करेगी, रस्सी के सहारे आपको खींच लेगी, फिर दूसरे बंदे को भेजा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, तो जो बंदा किसी मकान के अंदर किसी कमरे में अचेत अवस्था में गिरा हुआ रहेगा तो उसको कैसे ढूंढेंगे वो देखना। चलिए आप सोचिए, मान लेना
एक तो मुंह पे बांध लेंगे गीला कपड़ा करके, तो कपड़ा बांधने के बाद क्या करेंगे कि हम कमरे में किसी दरवाजे से इन करेंगे तो उसके दीवार के चारों साइड से स्टार्ट करेंगे। ये समझ लीजिए कि चारों तरफ इसका दीवार है, ये गेट है। अब कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में गिरा पड़ा हुआ है तो उसको हम ढूंढने का क्या कैसे प्रयास करेंगे वो देखेंगे। आँख में मान लिए धुआं से, आँख में और नाक धुआं आया आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए हम बांध लिए है ना। आँख में ज्यादा लगता है ना, आँख में और सांस के द्वारा, ये दोनों आँख पे ज्यादा जलनशील जलन पैदा करता है आँखों में धुआं और दम घुटता है तो मुंह और आँख दोनों मिला के बांधना। दरवाजा के पास आ गए, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे आदमी से दामन कर बस इसी तरह क्रॉलिंग करते जमीन के सहारे क्रॉलिंग करते हुए जाएंगे और देखेंगे कि कहीं आपके हाथ से स्पर्श किया करेगा घायल व्यक्ति का शरीर तो उसको पहले क्या करेंगे उसका चेक करेंगे तो स्त्री है या पुरुष, स्त्री या पुरुष का चेक हम कैसे करते हैं बाल से या उसके पैर को छू के, क्यों पायल पहना है तो समझ जाएंगे स्त्री है, बाल बड़ा है तो समझ जाएंगे स्त्री है। तो उसको हम क्या करेंगे पहले उसको सीधा करेंगे और रुमाल से उसके हाथ को बांधेंगे, रुमाल से उसके हाथ को बांधने का प्रयास करेंगे। इस तरह उसके हाथ को पहले बांध देंगे रुमाल से, ये सब चीज तेजी से होगा, ठीक ना। इतना समय आपके पास है रहेगा नहीं जो कि इतना आराम आराम से आप बांध सकते हैं। बांधने के बाद उसके बाजू में गर्दन को फंसाना है, उसके बाजू में अपने गर्दन को फंसाना है और उसके हाथ के सहारे उसको खींचते हुए बाहर निकालना, समझ गए जी सर। चलिए इसी तरह से गेट को उसको निकाल लेंगे। चलिए आप में से दो आदमी आइए, आप इस बंदे को एक सिंगल आदमी का रेस्क्यू कैसे करेगा वो करके दिखाइए। चलिए आप अचेत अवस्था में गिर जाइए, पहले पैर को मोड़ना है जी, ठीक, उसके बाद हाथ को पकड़ना है, दोनों पंजा को दबाइए, अपने पंजे से दबाइए, ठीक, इतना है अपने आगे, उसके बाद एक हाथ से उसके दूसरे हाथ को पकड़ना है, उसको अपने ऊपर आप बेहोश है तो आप उसको उठाना है, एक हाथ फ्री रखना है किसी भी सामान को हटाने के लिए, भाग ले आएंगे हम। चलिए अब दो आदमी मिलके एक आदमी का रेस्क्यू करना है। चलिए सो जाइए, उधर घूमिए, उधर इसको उठाना है, इसका पैर टूटा हुआ है, पकड़ो बीच में इसको फैलाइए पैर को, उठाइए ऐसे करके ले जाना है, ठीक, उसके बाद चलिए। अब अकेला है, सीढ़ी से उतारना है, इनका पैर फ्रैक्चर किया हुआ है, सीढ़ी से उतारना है, घायल है, बेहोश है, इसको सीढ़ी से उतारना है या सीढ़ी पे ले जाना है। इसको जमीन के सारे ऐसे करते ले जाना। अब टू हैंड स्वीप करके दिखाना, किसी भी व्यक्ति को टू हैंड स्वीप के सहारे कैसे उठाया जाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़े, बीच में हाथ इधर ले,
इसके कलाई को आप अपने एक आदमी कलाई से पकड़िए, इनको इनके कमर में डाल के इसको उठा के एक हाथ से उठाइए, पैर पैर उठाइए, पैर पकड़िए दोनों, एक हाथ से पैर पकड़िए, इसको उठा के ले जाना ठीक। अब है थ्री हैंड शिप, थ्री हैंड शिप में एक हाथ खाली रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए एक हाथ खाली रहेगा। तो आप तो अपना दो हाथ से उनके एक कलाई को पकड़िए, पहले इस कलाई को पकड़िए, आपका खाली रहे, आपका दरवाजा का कुंडी खोलने के लिए आप एक हाथ खाली रहे ठीक। भारी भरकम आदमी है तो भारी भरकम आदमी को उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर हैंड शिप करेंगे। फोर हैंड शिप में एल बनाइए, अपने हाथ एल बनाइए, एक हाथ से अपने बाजू को पकड़िए, ऊपर से पकड़िए, मजबूती बने। चलिए चलिए बैठे नीचे कीजिए, ठीक बैठाइए। चलिए आप चलिए, इस तरह हम क्या करेंगे, घायल व्यक्ति का रेस्क्यू करेंगे, उठा के हम बाहर तक अपने एम्बुलेंस तक लाएंगे, उसको अस्पताल तक ले जाएंगे। अब रस्सी के सहारे किसी मकान में अगर कोई फंसा हुआ है अच्छा जितना है उतना लग जाएगा। कोई मकान में फंसा हुआ है और सीढ़ी का कोई निकलने का कोई साधन नहीं है तो हम उसको कैसे नीचे उतारेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेयर नोट करेंगे, बनाएंगे ऐसे दो भाग में से घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे ठीक, उल्टा ठीक, इधर से इधर, इधर वाला को इधर पकड़ेंगे, इधर वाला को इधर पकड़ेंगे, बायां हाथ दाहिना, दाहिना हाथ बायां खींच लेना, जितना जितना तक आपका बाजू जाता है उतना तक इसको खींचना, खींचने के बाद इससे हाफ खींच मारना है ऐसे करके, मजबूती के लिए, मजबूती के लिए इधर से एक हाफ इंच इसको मारना, इसको मारना, पकड़ के ये हो गया। अब बंदे को दोनों चले इस तरह करके खींचना, ये हो गया इस तरह। चलिए हाफ इंच इस पे ही हाफ इंच मारेगा, इसमें से घुसाना है ऐसे करके, ऐसे बांधा रहेगा घायल व्यक्ति, इसको किसी जब इसको उतारना है छत से तो एक रहेगा नीचे, एक किसी मोटर खिड़की का अथी हो, रड हो या कोई बॉल हो उसमें बांध देना, और इस तरह लटकाना ऐसे करके लटका हुआ रहे, इसी के सहारे इसको रस्सी के सहारे नीचे उतारेंगे, ऊपर बनाएगा और एक इसको बांधने के लिए हम लोग सिखा देंगे। चलिए एक आदमी आइए सीखिए तो बांधने के लिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, देखिए एक बार देखिए, आप रस्सी ले लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं भी ये रस्सी है,
रस्सी के बीच में पकड़ना, एगो इधर से घुमाना है एगो इधर से घुमाना है, और इसमें हाथ घुसाना, ये वाला इधर घिस लेना है और ये वाला इधर घिस लेना है। हो गया, इसको यहाँ तक खींचना है, बड़ा वाला को यहाँ देना है ऊपर, ऊपर वाला को ऊपर देना। ये हो गया, दो को नीचे लटक गया, इसको बोलता हाफ। इसके एक फूटा लगाते हैं ना, तो एक मजबूती देने के लिए क्या करते हैं, एक फांस लगा देते हैं, तो एक तरह की इसके फांस लगा देंगे, फांस हो गया। उसी तरह इधर भी एक फांस हो गया, ये अब हिलेगा नहीं। अब क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा, छोटा वाला भाग गर्दन में और बड़ा वाला पैर में, इसमें इसमें बड़ा वाला घुसाई दोनों पे। इसको आप इसी तरह करके उतारना, इधर खींचेगा, एक बांध दिया जाएगा और एक खींचेगा धीरे धीरे ढीला करके नीचे उतारेगा। बांधने सीखे, आइए बांध के देखिए। ठीक ना, ऐसे है, इधर से इसको, इधर से इसको, ठीक, समझ में आया। फिर से देख, ऐसा है, यह है ना, एक इधर से लटका है, एक इधर से लटका है, एक से इसको खींचना है, ऐसा हो गया। और इस पे इससे हाफ इंच लगा देना है और इससे इधर हाफ इंच लगा देना है, जिसको बोलते हैं हम लोग फांस, घर में बनाते हैं खुटा में बांधते हैं, तो एक फांस लगा देते हैं, तो उसी तरह इस पे एक फांस लगा देना है और इधर वाला से इस पे एक फांस लगा देना है। उसके बाद बड़ा वाला को कहाँ, पैर से, छोटा वाला को कंधा में फंसाना है, और एक आदमी नीचे पकड़ा रहेगा, एक आदमी ऊपर पकड़ा रहेगा, और आराम से बेहोश जो भी है वो बंदा, तो धीरे धीरे रस्सी के सहारे बिल्डिंग से हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि कपड़ा से हम स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं। कपड़ा है और इससे हमको स्ट्रेचर बनाना है, कोई घायल व्यक्ति है उसको हम कैसे ले जाएंगे, चलिए बना के दिखाइए। सुबह जैसे कपड़ा है उसके बीच में घंटा रखना है, उसके बीचों बीच एक डंडा रखना है, उसके बीच डंडा को, डंडा के बीच में रख के उसको मोड़ देना है, तो वो दो पर रख का कपड़ा हो गया जी। उसके बाद उसके बीच में फिर एक डंडा रखना है और उसको फिर मोड़ देंगे, तो चार परत का कपड़ा हो गया, तो और मजबूत हो गया। अब उसमें एक किसी भी घायल व्यक्ति को सुला दीजिए, उसके बाद इसको उठा के आराम से आप ले जा सकते हैं, एम्बुलेंस तक ले जा सकते हैं। जी तो बना लीजिए, तो आसान है बना, नहीं किसी कपड़ा से और दो डंडे के सहारे आप स्ट्रेचर को बना सकते, तुरंत जल्दबाजी से, जल्दीबाजी में आप इसको बना के, एक बार आप लोग भी बना के दिखाइए। बड़ी आर्मी
आप पूरे पहले पूरे घूम लीजिए, पहले पूरा बिछा लीजिए, पहले पूरा बिछा लीजिए। इधर से भी एक तरफ मोड़ दीजिए, बड़ा है ये मोड़, बड़ा के कारण मोड़ रहा है ना कि लाठी से बड़ा चादर हो जाएगा। बस अब बीच 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 में कपड़ा के बीचों बीच उसके बाद उसके बीचों बीच हो गया। चलिए